हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल किवा किवी एक्सप्लोरर। आज का वीडियो कुछ स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज मैं आप लोग को दिखाने वाला हूँ एक पूजा और पूजा का नाम है माँ मोनोहा पूजा। मैं ज़्यादा बातें नहीं करने वाला हूँ, मैं सिर्फ जब ज़रूरत होगा तभी बोलूँगा। जिन लोगों को नहीं पता इस पूजा के बारे में, मैं थोड़ा ब्रीफली बताने वाला हूँ। सो बेसिकली ये पूजा हर साल जुलाई के महीने में किया जाता है और माँ मोनोहा इज अ गॉडेस ऑफ स्नेक्स। ये पूजा वेस्ट बंगाल, लोअर असम, झारखंड और बाकी नॉर्थ ईस्ट में और उत्तराखंड में कुछ ही जगहों में मनाया जाता है। तो जैसे कि अभी आप लोग देख रहे हैं कि कुछ लड़कियां जा रही है पूजा की पानी लाने के लिए। पानी आसपास के कोई मंदिर से लाया जाता है और हमारे केस में पास के ही शिव मंदिर से पानी लाया गया। और पानी लाके वापस आने पर पैरों को पानी से धुला दिया जाता है ताकि बाहर से कोई अशुद्ध चीज पूजा तक ना आ पाए। इस पूजा को करते हैं पंडित के द्वारा ही, लेकिन इस पूजा में एक बहुत ही यूनिक चीज होता है। यहाँ बाहर से आने वाले लोग अगरबत्ती और दिया जला ही रहे थे तभी घर के अंदर माँ की जाप सुन के स्वयं मोनोहा देवी माँ के अंदर आ चुकी है। और ये पल सब लोगों के लिए बहुत ही कीमती है। सब लोग अपने अपने हाथ जोड़कर माँ को प्रे करने लगे और ढोल ताल की आवाज के बीच से माँ सांप की तरह घर से बाहर आकर मंदिर की तरफ बढ़ने लगी। माँ के मंदिर पहुँचते ही पूजा स्टार्ट हो जाती है और इसी पल में लोगों की भीड़ लग जाती है माँ से आशीर्वाद लेने के लिए। और यहाँ पे लोगों को मौका मिलता है अपने प्रॉब्लम्स माँ से शेयर करने के लिए और माँ आपको कुछ न कुछ जवाब ज़रूर देता है। और पूजा के साथ साथ लोगों के लिए प्रसाद के दौर पर खीर और खिचड़ी बनाया जा रहा है।
उसके बाद कुछ लोग कबूतर, बतख, बकरी जैसे जानवरों को पूजा करके खुले में छोड़ देते हैं। यहाँ पे जानवरों को मारा नहीं जाता है, सिर्फ खुले में छोड़ देते हैं। अब ये पूजा खत्म ही होता है, लास्ट में हवन करके पूजा को खत्म किया जाता है। अब जितने भी लोग पूजा में आए हैं सब लोगों को प्रसाद दिया जाता है। ऐसे ही करके ये पूजा ख़त्म होता है और साथ में ये वीडियो भी यहीं पे ख़त्म होता है। आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।